तो बेसिकली ग्रुपिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको बोला जाएगा कि देयर आर एट इंडिविजुअल्स, हाँ उन एट में से देयर आर फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स, ठीक है, और उसके बाद फिर वो कंडीशन दे देंगे कि जैसे ABCD आर बॉयज, एक सेकेंड, है ना, वो बोल देंगे ABCD तो बॉयज है और XYZ और M गर्ल्स है, ठीक है। अब आपको बोलेंगे कि ये बॉयज यदि आप सेलेक्ट करते हो ना, तो आपको तीन बॉयज सेलेक्ट करने हैं, उसमें भी कंडीशन है कि यदि ए आता है तो बी साथ में नहीं आ सकता, या सी आएगा तो डी आएगा ही आएगा उसके साथ में। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो बेसिकली वो हमको कंडीशन दे रहे हैं कि ये कंडीशन भी फॉलो करनी है, उस कंडीशन को लेकर आपको अरेंजमेंट करने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के नहीं होते हैं, ये ऑप्शन से करने होते हैं अपन को। ऑप्शन से कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। देर आर टू फैमिलीज ABCD PQRS, ये आठ लोग हैं दो फैमिलीज में। हाँ, दे आर टू बी अकोमोडेटेड इन टू कार्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, रेड एंड ब्लू। ईच फैमिली कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ सन एंड डॉटर। तो बच्चों आठ लोग हैं ना, और दो फैमिली हैं, तो हर फैमिली में चार चार लोग हैं। और कैसे हैं वो, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक सन है, एक डॉटर है। आपको कुछ कंडीशन दे दी कि जो भी एक फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे एक ही कार में बैठेंगे। दो कार है ना रेड और ब्लू कलर की, तो जो एक फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे एक ही कार में बैठेंगे। फिर कंडीशन है कि ए इज फादर, और कुछ और कंडीशन दे दी। फिर अगला है पी इज फादर इज डी, और इस तरह से कंडीशन दे दी। तो ये सारी आपको कंडीशंस दे रखी है। उसके बाद आप देखोगे बच्चों हर क्वेश्चन में इफ आ रहा है, हर क्वेश्चन में इफ आ रहा है। इफ का मतलब क्या होता है कि हमारा अरेंजमेंट जो अभी तक हमने देखा है कि पूरा बन जाता था, इसमें अरेंजमेंट कंप्लीट ही नहीं होगा। आपको हर क्वेश्चन के लिए एक अलग तरह से सॉल्व करना होगा, एक अलग अरेंजमेंट बनाना होगा, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं आप लोग पर ही छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, देन आई विल डिस्कस कि कैसे करने चाहिए। एक बार आप लोग खुद ही ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। टाइम अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कस करने का 10:06 पर, ठीक है, और चैट पर रिप्लाई करिएगा। ए फादर है बट वो सी से मैरिड नहीं है, और सी एक मदर है सर, सी भाई, हमको दूसरे पता उससे है। मैरिड है, सर सी उसकी फैमिली की है। हमको पता है ना, दो फादर होंगे, दो मदर होंगी, दो सन होंगे और दो डॉटर होंगी, यही तो दे रखा है। तो भैया मेरे को पता चल गया, आप देखो ब्लड रिलेशन पढ़ा हुआ यहाँ पे भी काम आता है थोड़ा बहुत। ए इज फादर, ए फादर है पर ये सी से तो मैरिड नहीं है, और इनके दो बच्चे हैं, एक सन है और एक डॉटर है, ऐसा कुछ बनेगा। और मेरे को ये पता चल गया कि सी यदि एक ही वाइफ नहीं है तो दूसरे वाले की वाइफ होगी, फिर जो भी दूसरा पर्सन है, जो भी दूसरा हस्बैंड है उसकी वाइफ होगी, और इनके भी दो चिल्ड्रन होंगे। यस और नो, यहाँ तक सही बनाया मैंने? यस सर। अब देखो बच्चों क्या दे रखा है, पी इज फादर इज डी एंड दे सिट इन रेड कार। यार एक बार बताओ, पी के फादर डी है, पी के फादर डी है, तो क्या पी यहाँ आ सकता है ए वाले में? इधर सर तो फादर ए है, तो पी के फादर डी है, इसका मतलब डी यहाँ पर आएगा और पी यहाँ पर आएगा। पर पी सन है या डॉटर है पता नहीं, ये भी नहीं पता अभी तक, जाने दो। आगे चलते हैं, आगे जब हम गए तो पता चला क्यू आर एस चिल्ड्रन है, ठीक है भाई। अब क्यू आर एस चिल्ड्रन है तो इससे क्या, कौन सन है कौन डॉटर है कुछ पता नहीं चल रहा मुझे, तो बस ये पता चल रहा है कि क्यू आर एस चिल्ड्रन है। बच्चों कुछ भी हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अब हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, तो आप जैसे क्वेश्चन में देखो ना इफ, तो वो हमेशा ग्रुपिंग या कंडीशनैलिटी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इफ आर इज डॉटर ऑफ डी, अब देखो पहली बात तो इन्होंने ये बोला था कि ये रेड कार में है, तो मैं इनको रेड कार में तो बिठाई देता हूँ। डी मैरिड था सी से, और इनका एक सन या डॉटर कौन था, आप पी मेरे को नहीं पता, वो दे नहीं रखा था, और यहाँ, और दूसरी फैमिली में ए होगा फिर, और ये मैरिड है किसी से, और इनके दो बच्चे हैं, उनका भी नाम हमको नहीं पता। अब पहले क्वेश्चन में आ रहा हूं, मैं दूसरे कलर की इंक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। इफ आर इज डॉटर ऑफ डी, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बोला कि अज्यूम कर लो आर डॉटर है डी की, आर यदि डॉटर है डी की तो पी कौन हो गया, सन हो गया। और यदि आर डॉटर है और ये है, और एक बात पता है हमको, क्यू आर एस बच्चे हैं, ये तो दे रखा है उन्होंने, क्यू आर एस में से कोई एक इनका सन होगा और कोई एक इनकी डॉटर होगी, तो भाई एक ही वाइफ कौन है, बी एक ही जना बचा फिर, आई थिंक भाई सी डी हो गए, पी आर हो गए, क्यू एस हो गए, ए हो गया, केवल बी बचा है, तो यहाँ पर आ गया बी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ए का सन कौन है, बच्चों
पर उसमें से सन कौन है वो नहीं पता ना, क्यों भाई क्लियर है क्या? आयुष, मोहित, यस सर, रवि, अंजलि, कृति, है ना बच्चों? तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन खत्म ना बच्चों, तो जो पहले क्वेश्चन में हमने इन्फॉर्मेशन यूज किया ना वो भी खत्म, वो भी खत्म। मतलब आपको ये आर हटाना पड़ेगा जो ब्लैक इंक से है ना, इसलिए मैंने ब्लैक इंक से किया था जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पी हटाना पड़ेगा, ये क्यू एस यहाँ से हटाने पड़ेंगे, ये बी यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तब था जब हमने कुछ अज्यूम किया था, आर को डॉटर अज्यूम किया था, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है। इफ क्यू एंड एस सिट इन द डिफरेंट कार, क्यू और एस दोनों डिफरेंट कार में बैठे हैं और दोनों फीमेल हैं। यार क्यू और एस दोनों फीमेल है और दोनों डिफरेंट कार में है, एक बार बताओ रेड कार में कौन आएगा क्यू और एस में से? कोई भी आ सकता है। हमको ये तो नहीं बोला ना क्यू इस कार में या नहीं है, तो क्यू और एस में से कोई भी रेड कार में आ सकता है और एक दूसरा ब्लू कार में आ सकता है, पर हमको ये पता है कि दोनों फीमेल है, तो यहाँ पर जो भी एक बच्चा वो कौन है? मेल है। ये समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब ये पूछ ही रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन ब्लू कार। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ब्लू कार में जो फैमिली मेंबर्स है वो कॉम्बिनेशन गलत है? हस्बैंड ए बी को वाइफ कर सकता हूँ क्या? सन आर और डॉटर एस कर सकता हूँ क्या बच्चों में? हस्बैंड ए दे रखा है, वाइफ को बी मान लू, मान सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है? आर को सन मान सकता हूँ, हाँ बिल्कुल आर को सन भी मान सकते हैं। देखो यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, तो बी तो वाइफ हो गई, आर सन हो गया। और डॉटर एस हो सकती है क्या? अरे डेफिनेटली हो सकती है, दो ऑप्शन है ना क्यू और एस में से कोई, तो ये तो हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। आगे देखते हैं, हस्बैंड ए, वाइफ बी, सन आर और डॉटर क्यू। अरे भाई डॉटर तो क्यू भी हो सकती है, क्यू और एस में से कोई भी हो सकता है ना डॉटर, तो ये भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या बच्चों? नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर है, ये है वो ऑप्शन जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ गए क्या बच्चों? बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में यूज की थी हटानी पड़ेगी। अब मेरे लिए ये हटाना इजी है कि नहीं सर? आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप कॉपी पेन पे करेंगे, आपको बार बार केसेस बनाने पड़ेंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ग्रुपिंग एंड कंडीशनैलिटी में बार बार बनाना पड़ेगा आपको अलग से, है ना। इफ आर इज नॉट अ फीमेल एंड डज नॉट सिट इन रेड कार, आर फीमेल नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि आर मेल है और वो रेड कार में नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो ब्लू कार। ब्लू कार में दो मेल हो सकते थे, एक तो फादर और एक सन, तो फादर तो पहले ही ए है, तो आर कौन है फिर? सन। समझ गए कैसे डिसाइड किया अपन ने कि आर सन है? यस यस सर। अब दो बच्चे हैं क्यू और एस, तो क्यू और एस में से एक जना यहाँ पर आएगा और एक जना यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों बच्चे ही हमको दे रखा है, तो फिर यार ए की वाइफ कौन हो सकती है? बी ही हो सकती है केवल, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। Then who is mother of R? R की मदर कौन है? B. So the correct answer is DCB. DCB. अब मैं बताता हूँ किस किस ने करेक्ट आंसर दिए हैं। Eight players P Q R S T U V and W are to be selected by three coaches. अब तीन कोच हैं जिनको इन आठ प्लेयर को सेलेक्ट करना है। It is known that number of players selected by coach one is minimum, while the other two coach have selected equal number of players. It is further seen that Q and W always play for the same coach. Likewise, P and T always play for the same coach. अब इन्होंने कंडीशन दे दी कि Q और W एक ही कोच के लिए खेलेंगे, P और T एक ही कोच के लिए खेलेंगे, R हमेशा कोच 2 के लिए खेलेंगे, S and T are not selected by the same coach, S और T कभी भी साथ में नहीं खेलेंगे, V एक न्यू कमर है तो वो हमेशा T या R के साथ रहेगा, और हर कोच को कम से कम दो प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। ये सारी कंडीशंस थी, करके दिखाइए। एट प्लेयर्स, ठीक है, तीन कोच हैं C1, C2 और C3, तो हम यहाँ लिख लेते हैं C1, C2 और C3, ठीक है। इट इज नोन दैट नंबर ऑफ प्लेयर्स सिलेक्टेड बाय कोच वन इज मिनिमम, व्हाइल द अदर टू कोच हैव सिलेक्टेड इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स। देखो कितने हैं टोटल, एट प्लेयर्स हैं, इसका मिनिमम है और बाकी दोनों ने इक्वल सेलेक्ट किए हैं,
तो कितना कितना सेलेक्ट किया है? सर 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ये तो समझ में आ गया क्योंकि मिनिमम 2 सेलेक्ट करना जरूरी था, है ना? It is further seen that Q and W plays for the same coach. अब जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए ना बच्चों, आपको क्या करना है, इस तरह से लिख लो Q और W सेम कोच के लिए, तो इसको ऐसे कर दो कि वो दोनों साथ में आएंगे. P and T always play for the same coach. P और T भी साथ में आएंगे. ये लो R coach 2 के लिए खेलेंगे हमेशा. तो ये तो हमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि R coach 2 में ही आएंगे. वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया. S and T are not selected by the same coach. तो S and T को भी ऐसे लिख के और क्रॉस कर दो कि ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए. V a newcomer is always with T और R. तो या तो VT होगा या फिर VR होगा. इन दोनों में से एक तो होना जरूरी है. All coaches have selected a minimum of 2 players. ये हमने पहले ही यूज कर लिया कि कम से कम दो तो होना जरूरी था. ये सारी कंडीशन थी. अब जो अपन को देखो अभी तक कुछ बन पाया है क्या? अपन यदि अरेंजमेंट की बात करें तो कुछ भी नहीं बना अभी तक. C1 के पास कौन है, C2 के पास, C3 के पास, कुछ भी नहीं पता. अब ये कब पता चलेगा? जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर प्लेइंग फॉर द सेम कोच. अब देखो बात क्या है, ये बोल रहे हैं कि P और U सेम कोच के लिए खेल रहे हैं. अब जैसे इन्होंने P और U का नाम लिया ना बच्चों, आप P और U पे जो कंडीशन है उन पे चल जाओ. U पे तो कोई भी कंडीशन नहीं है, पर P पे कंडीशन है. क्या कंडीशन है? टी के साथ आएगा ना हमेशा. Yes, तो क्या मैं कह दूं कि टीवी यहाँ पर होना चाहिए साथ में? Yes, sir. Yes, sir. अब ये टीपीयू साथ में खेलने चाहिए. अब टीपीयू साथ में खेलने चाहिए तो कोच वन के पास तो जगह ही नहीं है तीन प्लेयर्स की, पास तो दो ही प्लेयर्स आ सकते हैं. कोच टू के पास आर पहले ही है तो बाकी तीन को मैं रख नहीं सकता. तो ये तीनों कहाँ आ सकते हैं बच्चों? कोच थ्री. ये चीज समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये हो गया. तो कोच वन के लिए कौन खेल रहा है ये बताना था. अब देखो ये वाली बात तो हमने, ये वाली पीटी तो यूज कर ली. अब मेरी बात सुनो, अब बाकी उस पे आओ जिसपे कंडीशन ज्यादा है. अब जैसे ये देखो, टी को हमने प्लेस कर चुके हैं और टी पे कंडीशन थी कि जो वी है या तो टी के साथ आएगा या वी आर के साथ आएगा. अब वी टी के साथ तो आया नहीं, तो वी कहाँ पर आएगा? समझ गया ये चीज भी? चलो ठीक है, तो मैंने ये वाली कंडीशन यूज कर ली है, मैंने ये वाली यूज कर ली है. इन्होंने बोला था एस और टी साथ में नहीं आएंगे, तो ये तो वैसे भी नहीं आ रहे. टी के साथ एस तो आ ही नहीं रहा है वैसे भी, तो ये भी कंडीशन हो गई. अब देखो क्यू डब्ल्यू साथ में आएंगे. क्यू डब्ल्यू को मैं क्या कोच टू के पास दे सकता हूँ? अब नो सर. पर चार मेंबर्स हो जाएंगे देन. तो क्यू डब्ल्यू कहाँ पर आएंगे बच्चों? यहाँ पर. और यहाँ पर आ गए तो एक जना बचा, दैट इज एस. वो यहाँ पर आ गया, हो गया कंप्लीट, आराम से हो गया. देन हु आर द वंस हु आर प्लेइंग फॉर कोच वन? क्यू एंड डब्ल्यू. द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन ए. किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए यहीं पर. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म. तो बच्चों ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको भी हटाना पड़ेगा, ये भी मैं इरेज कर देता हूँ. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू इफ आर वी एंड यू प्ले फॉर द सेम कोच. आर वी और यू एक ही कोच के लिए खेल रहे हैं, इन्होंने बोल दिया. चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं. अब आर वी और यू, तो ये वाली कंडीशन तो यूज हो गई अपनी कि V और R एक साथ आएंगे, हो गई. हाँ सर. अब क्या करें, अब दिक्कत है. S plays for coach one. यार इन्होंने क्या बोला है कि, अब देखो ढंग से समझना है क्वेश्चन कैसे करते हैं. इन्होंने बोला है कि डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए. इन्होंने बोला है कि ये तो होना ही होना चाहिए. मैं क्या करता हूँ, इसको गलत करने का प्रूफ करता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि इसको गलत प्रूफ कर दूं. हाँ, इन्होंने बोला है कि एस है ना कोच वन के लिए खेलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एच को कोच थ्री को खिला देता हूँ. बोलो ऐसा करके देखे क्या? Yes, sir. अब यदि ये मैंने करा और ये सही बैठ रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेट कंडीशन तो नहीं थी. हाँ या ना? हाँ सर. तो चलो करके देखते हैं. इन्होंने बोला कि एस कोच वन के लिए खेलेगा, तो मैं तो बोलता हूँ नहीं, थ्री के लिए खेलेगा. अब थ्री के लिए खेलेगा तो अब एस लिखा तो एस की कंडीशन पे चल जाओ. एस की कंडीशन क्या है? एस और टी साथ में नहीं आएंगे, तो टी को फिर यही रखना पड़ेगा. टी के कंडीशन पे चल जाओ. टी के कंडीशन क्या है? टी और पी साथ में आएंगे, तो पी को यही रखना पड़ेगा. और अब क्यू डब्ल्यू पे चल जाओ. क्यू डब्ल्यू को एक साथ रखना था, तो ये लो. इन्होंने तो बोला था भैया एस कोच वन के लिए खेलना चाहिए, हमने तो करके देख लिया कि एस कोच थ्री के लिए भी खेल सकता है, तो ये तो गलत है. समझ गए? अब पहला ऑप्शन चेक हुआ है बच्चों अभी तक तो केवल. अब करेंगे अपन दूसरा ऑप्शन चेक. क्यू एंड टी प्ले फॉर द सेम कोच. ये बोल रहे हैं क्यू और टी एक ही कोच के लिए खेलने चाहिए. अपन क्या बोलेंगे कि क्यू और टी अलग अलग कोच के लिए खेलेंगे, हम ये मानते हैं, है ना? तो क्यू और टी अलग अलग खेलेंगे, तो चलो एक बार
क्यू को यहाँ रख लेता हूँ और टी को यहाँ रख लेता हूँ, अलग अलग रख दिया। यस यस सर। अब क्यू के साथ कौन आएगा, जरूरी है डब्ल्यू, तो क्यू डब्ल्यू हो गया। यस सर। टी के साथ कौन नहीं आएगा, एस। Yes. अब गड़बड़ हो गई ना, एस को कहाँ रखूं, ये तो फुल है। हाँ सर। यहाँ पर आप एस को रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दो ही जने आएंगे, तो एस को आपको टी के साथ रखना पड़ेगा। अब मैं उल्टा करके देखता हूँ, ढंग से समझना बच्चों। मैंने एक बार क्यू को ऊपर रखा, टी को नीचे रखा ना, अब मैं उल्टा करके देखता हूँ। आर वी यू तो सेट है, आर वी यू तो कोच टू के पास है। अब मैं टी को ऊपर रख देता हूँ और क्यू को नीचे रख देता हूँ, ऐसा करके देखे। क्यू की कंडीशन क्या थी कि क्यू और डब्ल्यू साथ में आएंगे, ये लो रख दिया। पी और टी साथ में आएंगे, ये लो रख दिया। एस और टी साथ में नहीं आएंगे तो ये लो रख दिया। यार मेरे हिसाब से तो ये भी हो पा रहा है। यस सर। क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है, वो पी और टी के लिए पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पी और टी साथ में तो ये लो, साथ में तो आ रहे हैं पी और टी। क्यू डब्ल्यू साथ में तो देख लो भैया, क्यू डब्ल्यू साथ में है। एस और टी साथ में नहीं होने चाहिए थे, 100% नहीं है। वी या तो टी या आर के साथ होगा, हाँ तो वी आर के साथ है। बताओ क्या दिक्कत है? तो ये हमको बोल रहे थे कि Q और T सेम कोच के लिए खेलेंगे, पर हमने ये शो कर दिया कि Q और T सेम कोच के लिए नहीं खेलेंगे तो भी काम चलेगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है अपना। यस सर। चलो बढ़िया, अब वापस ये इन्फॉर्मेशन जो है हटानी पड़ेगी। अब ये कंडीशनलिटी में क्या है बच्चों, केस बना बना के देखने पड़ते हैं। जो अपना अरेंजमेंट होता था ना कि एक सेट बनाओ फिर सारे आंसर आ गए, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है कि एक सेट बनेगा और सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, पी एन टी प्ले फॉर कोच वन, ये बोल रहे हैं कि पी टी साथ में तो खेलेंगे पर वो कोच वन के लिए खेलेंगे। मैं तो बोलता हूँ भैया वो कोच टू की तो अपन बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो तो वैसे ही फुल हो रखा है। हाँ, तो इसके अपन बात ही नहीं कर रहे। इन्होंने बोला कि पी टी कोच वन के लिए खेलेंगे, तो हमने बोला नहीं भाई वो तो कोच थ्री के लिए खेलेंगे, खेल खिलवा दो। अब पी टी यहाँ आ गए तो टी के साथ एस नहीं आएगा, तो एस यही आएगा। yes, आया ना। yes, अब एस यहाँ आ गया तो बच्चों गड़बड़ हो गई। क्यू और डब्ल्यू को साथ में रखना है, कहाँ रखूं? यदि मैं ऊपर क्यू और डब्ल्यू को साथ में रखता हूँ तो ऊपर तीन हो जाएंगे जबकि दो ही अलाउड है। yes, और यदि मैं नीचे क्यू और डब्ल्यू को साथ में रखता हूँ तो चार हो जाएंगे, ये गड़बड़ हो गई। तो क्या पी एन टी कोच वन के लिए खेलेंगे? डेफिनेटली खेलना पड़ेगा। The correct answer to this question is C option. इसका था A option. हाँ सर। तो कई बच्चों ने A D D answer दिया था, उनका गलत हो गया है। बिल्कुल। समझ गए ना बच्चों, कोई doubt तो नहीं है किसी को भी कि कैसे हो रहा है? No sir. No sir. देखो easy है ये चीजें बहुत, पर आपको क्या थोड़ा इसमें वो करना पड़ेगा, check करते रहना पड़ेगा, वो चीज सही है। ये wrong था, यहाँ पे मैंने हटा दिया। हाँ, next question पे आते हैं। और ये UV भी हटाना पड़ेगा क्योंकि next question पे आ रहे हैं ना, तो ये यूवी भी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए था केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो बच्चों क्या दे रखा है, कुड बी प्लेइंग फॉर कोच टू, कोच टू के लिए इनमें से कौन खेल सकता है? आरवीयू, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में तो देखा है कि आरवीयू खेल सकते हैं। हाँ सर। है ना, पिछले क्वेश्चन में तो किया है जब आरवीयू खेलते थे, तो ये तो हो सकता है, पर इसमें ऑल ऑफ दीज भी आंसर है बच्चों, ऑल ऑफ दीज भी है ना, तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि बाकी के केसेस भी पॉसिबल है क्या। करके देखे आरएसवी करके देखे। यस सर। चलो आरएसवी किया तो वी की कंडीशन थी कि आर के साथ आएगा या टी के साथ, ये पूरी होती है ना। अब क्यू डब्ल्यू और पीटी और एसटी वाली कंडीशन है, तो एक काम करो यार, पीटी को यहाँ रख दो, क्यू डब्ल्यू एस को, क्यू डब्ल्यू को यहाँ रख दो, और कौन बचा? यू यू यू। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही। क्यू डब्ल्यू साथ में है भाई, बिल्कुल है। पीटी साथ में बिल्कुल है। एसटी साथ में नहीं होने चाहिए थे, नहीं है। वी आर के साथ में होना चाहिए था, डेफिनेटली है, तो ये भी पॉसिबल हो पा रहा है। yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे दो पॉसिबल होगा तो वैसे मेरे को पता ही है कि आंसर तो क्या ही होगा, all of these. क्योंकि all of क्या these. है, तीसरा भी होगा ही होगा, पर मैं फिर भी करके देखता हूँ। अपन फिर भी एक बार करके देखते हैं बच्चों, ये आर क्यू डब्ल्यू भी पॉसिबल है या नहीं है। आर क्यू डब्ल्यू को मैं मान लेता हूँ पॉसिबल है ना। अब R Q W हो रहा है तो Q और W साथ में ही कंडीशन सेटिस्फाइड है। P T और S T और ये वाली कंडीशन थी, तो देखो भैया बात ऐसी है, P T को नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, S T साथ में नहीं होंगे ना, तो P T को यहाँ रख दो क्योंकि T के साथ मेरे को V को रखना पड़ेगा। आया ना। देखो P T तो साथ में है ही,
अब जो V है वो ये T है, R के साथ आता, R के साथ तो आया नहीं, इसका मतलब V को भी T के साथ ही रखना पड़ेगा, तो ये तीन आने पड़ेंगे, तो तीन आने पड़ेंगे, तो इनको कोच वन के साथ नहीं भेज सकते, इनको कोच टू पे ही रख दो PTV को। अब बचे कौन कौन बच्चों, PT हो गया, QW हो गया, VT हो गया, ST साथ में नहीं आएंगे, तो एक S बच गया और एक U बच गया, हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया, ये भी हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, समझ में आ गया? Yes, sir. Question is, A, B, C, D, and E are five different TV shows that has to be shown on three TV channels, X, Y, and Z, subject to following conditions. So, three channels are X, Y, and Z, और condition दे रखी है आपको, तो मैं लिख लेता हूँ पहले, X पे कौन-कौन से आएंगे, Y पे कौन से, और Z पे कौन-कौन से. Conditions कुछ इस तरह से हैं, A can be shown either on channel X or Y. तो basically, A जो है, वो Z पे नहीं आ सकता है. अच्छा, condition क्या है, provided that D is not shown on the same channel. तो A, D के साथ भी नहीं आएगा. B can be shown on any channel, provided D is also shown on the same channel. B, D के साथ ही आएगा हमेशा. C कहीं पर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है C के साथ. D can be shown on channel X or Y, D X or Y पे आएगा, D Z पर नहीं आएगा. E can be shown on channel Y, provided C वहां पर नहीं आना चाहिए. तो E Y पर तभी आएगा जब C वहां पर ना हो. ये कंडीशन थी बच्चों, ठीक है. अब ये इजी सेट है, इसको करते हैं अपन. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कैन बी शोन ऑन चैनल वाई, वाई पे कौन कौन से आ सकते हैं, बी डी ई रख के देख लेते हैं आ सकता है क्या. ये देखो बी डी ई को रखा मैंने, तो कंडीशन चेक करते हैं कोई भी गलत हुई क्या. कंडीशन थी कि ए जेड पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आई चुके हैं तीन. यदि मैं ए को यहाँ रख दू तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई ए को जेड पे नहीं रखना था, वाई पे तीन आ चुके हैं, है ना. तो अपन ने ए को यहाँ रख दिया, ए को यहाँ क्यों रखा, वाई पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि वाई पर ए और डी साथ में हो जाते, इन्होंने मना कर रखा ए और डी साथ में नहीं हो सकते. सेकंड कंडीशन थी बी और डी साथ में होने चाहिए, तो बी और डी साथ में ही है, बिल्कुल साथ में. थर्ड कंडीशन थी कि ई वाई पर आ जाएगा पर सी नहीं होना चाहिए, हाँ तो ई वाई पर आ गया, सी भी नहीं है. तो क्या हुआ, ये क्या हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है बच्चों, है ना. पर अपन आगे वाला आंसर भी चेक करते हैं कि वो क्यों नहीं हो सकता. यदि यही आंसर है तो आगे वाला क्यों गलत है, वो भी तो चेक करना बनता है. देखते हैं, अगले बोला बीसीई, बीसीई को यहां रख दो. अरे भाई इन्होंने साफ साफ बोला हुआ था कि ई वाई पर आएगा, तभी आएगा जब सी नहीं आएगा, तो यहां पर तो गड़बड़ कर दी ना अपन ने, सी और ई को साथ में रख दिया वाई पे. क्या ये पॉसिबल है बच्चों? नो सर. अब अगला है सीडीई, सीडीई को भी यदि मैं मान लेता हूं, फिर वो इस सी और ई वाली दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ये वाली दिक्कत हो रही है वापस से, तो सी डी भी नहीं हो सकता. नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन ए. कोई डाउट है किसी को भी तो बोल दीजिए प्लीज. नो सर. नो सर. नेक्स्ट, इफ ई, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, इफ ई इज शोन ऑन एनी चैनल ऑन द कंडीशन दैट ए हैज टू बी अलोंग विद इट. अब ये बोल रहे हैं ई को आप कहीं पर भी दिखाओ पर वो ए के साथ होना चाहिए. Then which of the following shows can be shown together on channel X, A, B, E? देखो, A, B, E. क्या रख सकते हैं A, B, E को channel X पे? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि E तो Y पे आएगा. तो B और D साथ में आनी चाहिए ना? इन्होंने बस ये condition बोली कि A और E भी साथ में होने चाहिए. तो A और E तो साथ में हो रहा है, फिर क्यों नहीं रख सकते? बच्चों इसलिए नहीं, इन्होंने बोला है कि बी के साथ कौन होना चाहिए, और बी के साथ डी हो गया, तो इन्होंने ये भी बोला है कि ए के साथ कौन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो ए और डी साथ में हो गए. तो यार ये तो गड़बड़ हो रही है, बी बोलता है मैं डी के साथ ही आऊंगा, ए बोलता है मैं डी के साथ तो बिल्कुल ही नहीं आऊंगा, तो ये ए और ए बी ये तो नहीं हो सकता. समझ गए, ये पहला ऑप्शन तो गलत है. सेकेंड ऑप्शन चेक करें बच्चों, किसी को डाउट है यहाँ तक? सेकेंड ए ई, यार अब ए ई में तो मेरे को कोई दिक्कत लग नहीं रही है वैसे. यदि मैं ए को यहाँ रख भी देता हूँ तो इन्होंने बोला था ए साथ में होने चाहिए, कंडीशन सही है. बी डी साथ में होने चाहिए, ये लो बी डी को यहाँ रख दिया, सी को यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की, कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही है, तो ये हो सकता है. समझ गए, मैं थर्ड भी चेक कराता हूँ आपको कि थर्ड क्यों नहीं हो सकता. थर्ड डीबीई, यदि मैं डीबीई को यहाँ रख देता हूँ ना बच्चों, तो ई और ए को साथ में रखना जरूरी है, तो ए को भी रखूंगा तो ए और डी साथ में नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये भी नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर इज बी. सो फर्स्ट का आंसर इज ए, सेकंड का इज बी. बच्चों किसी को भी कोई डाउट है? नहीं
No doubt, sir. No, sir. The question is, among four girls, PQRS, so char to girls hai bachcho? Girls hai, P, Q, R or S, and four boys, A, B, C, D. A group is to be formed comprising of at least two girls and at least two boys. Kam se kam do honi chahiye, hai na? At least two girls and at least two boys. Ye samajh gaye na bachcho? Kam se kam hai do na to. Yes, yes, sir. Further, the conditions are as follows. Q is selected, then neither A or B, nor B is selected. Q aa gaya, na to A aayega, aur Q aa gaya, to na hi B. S and D are never selected together. Ye lo bhai, S aur D kabhi bhi saath mein nahi aayenge. R, achha dekho, ye bahut important point hai ye wala. R is selected only if A is selected. R tabhi aayega jab A aayega. Ye clear hai? तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं आर और ए हमेशा साथ में ही आएंगे? नहीं सर, सर अच्छो नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा. क्यों? देखो ढंग से समझना, बहुत अच्छे से समझना. आर तभी आएगा जब ए आएगा. आर के ऊपर कंडीशन है कि वो तो तभी आ सकता है जब ए आएगा. पर ए के ऊपर कोई कंडीशन है क्या कि वो तभी आएगा जब आर आएगा? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. आप चाहो तो ए को अकेले को भी लिख सकते हो, ये अकेला भी आ सकता है. पर आर तभी आएगा जब ए होगा टीम में पहले से. समझ गए क्या बच्चों इसका डिफरेंस? यस सर. किसी स्टूडेंट को डाउट है इसमें? नो सर. नहीं लिखा जा सकता है, इसको हटा रहा हूं मैं. मैंने ये लिखा आर ओनली इफ ए. आगे चलते हैं. इफ बी इज सिलेक्टेड देन सी इज सिलेक्टेड. अब देखो फिर वही बात है, यदि बी आएगा तो सी आएगा, पर सी आएगा तो क्या बी आएगा? नहीं सर, नहीं कह सकते ना, जरूरी नहीं है, है ना. तो इफ बी देन सी. समझ गए क्या बच्चों कंडीशन सारी? yes. किसी भी प्लीज बता दीजिए, किसी भी तरह का डाउट हो. देखो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें. तो एक बार बताओ बच्चों, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि बारिश तभी होगी जब बादल आएंगे. फिर बारिश हो रही है ना, इसका मतलब बादल तो होना जरूरी है कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. पर बादल आ गए कि इसका मतलब ये जरूरी है कि बारिश होगी? no. No, sir. नहीं. तो ये वही चीज है, आर तभी आएगा जब ए आएगा. पर ए आ गया तो क्या जरूरी है कि आर आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है. बी आएगा तो सी पक्का आएगा, पर सी आ गया तो क्या बी आएगा पक्का? ये जरूरी नहीं है. द साइज ऑफ द ग्रुप इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप. जैसे पांच जने आ गए तो उसकी साइज फाइव हो गई, ये तो कोई खास बात. व्हाट इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म. हमको भैया बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है. गर्ल्स हैं पी क्यू आर एस, बॉयज हैं ए बी सी डी. आठों को ही ले लूं क्या मैं? हाँ सर, आठों को ले तो लो भैया, पर कंडीशंस भी तो है फिर, है कि नहीं? बिल्कुल. देखो कंडीशन क्या है कि क्यू है ना, इसकी ए से भी दुश्मनी है, बी से भी दुश्मनी है. क्यू आता है ना तो ए भी दोनों नहीं आ पाएंगे, है कि नहीं? हाँ सर. तो फिर क्यू को हटाओ ना यार. और क्या बोलते हो भाई, इस एक की वजह से हमको दो जने को ग्रुप से निकालना पड़ेगा, तो उस जने को हटा दो, है कि नहीं? यस सर. तो एक तो क्यू हटा दिया अपन ने, और एस और डी साथ में नहीं आ सकते, ये भी एक कंडीशन है. हाँ सर. एस और डी में से किसी एक को हटा दो, बोलो किसको हटाए? एस को. एस को हटा, एस को हटाओ बच्चों, तुम ये गलत बात कर रहे हो. डी को हटा दो, डी को हटा दो, है ना. तो बच्चों अब जो मैक्सिमम साइज है वो कितनी हो सकती है? सिक्स. समझ में आया या किसी को भी डाउट है तो बोल दीजिए. नो सर. नो सर. क्लियर है बच्चों अच्छे से? यस सर. बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ थ्री गर्ल्स बी फॉर्म. और टोटल साइज फाइव है, इसका मतलब मेरे को क्या करना है बच्चों? तीन गर्ल्स लेनी है और दो बॉयज. भाई तभी तो टोटल साइज फाइव होगी. तीन गर्ल्स लेनी है और दो बॉयज को लेना है. चलो करके देखते हैं क्या करें. अब जो तीन गर्ल्स है ना बच्चों, उसके मैं क्या करता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, समझना. चार में से तीन को सेलेक्ट करना है ना, तो मैं ऐसा कह दूं क्या कि चार में से एक को निकालना है? yes, sir. निकाल देंगे तो अपने आप ही तीन सेलेक्ट हो गई. अब एक किसको निकाल सकता हूँ?
हो सकता है मैं पी को निकाल दूं, हो सकता है मैं क्यू को निकाल दूं, हो सकता है मैं आर को निकाल दूं, और हो सकता है मैं एस को निकाल दूं। बोलो हाँ या ना, ये चार केस पॉसिबल है। आप देखो क्यू आता है तो कौन कौन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, और एस आता है तो डी नहीं आएगा, तो यहाँ तो केवल सी आ पाया। तो क्या ये पॉसिबल है? नो नो, खत्म करो पी आर एस। अब क्यू खत्म है तो ए भी आ सकता है और एस है तो डी नहीं आ सकता, तो हो गया ये तो बन गया, आराम से बन गया। अब पी क्यू एस, अब क्यू है तो ए भी नहीं आ सकते और एस है तो सी डी भी नहीं आ सकता, मतलब तो यहाँ पे केवल सी आ सकता है। पॉसिबल है क्या ये? No, और पी क्यू आर फिर वही क्यू आ गया तो ए भी नहीं आ सकते, पर अब एस नहीं है तो डी आ सकता है और सी पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये वाली कंडीशन का क्या हुआ फिर, और इस वाली कंडीशन का क्या हुआ फिर, आर ओनली इफ ए। यहाँ पर आपने आर तो ले लिया पर ए तो है ही नहीं, इसका मतलब एक ही बनेगा। एक ही बनेगा क्या, या और कोई ऑप्शन है? अरे एक ही बनेगा, अरे एक ही बनेगा। क्यों, यहाँ पर ए सी नहीं हो सकते थे क्या? यस सर, हो सकते। ए बी की जगह ए सी नहीं हो सकते थे क्या? हाँ सर, हाँ सर। और क्या बी सी नहीं हो सकता था क्या? भाई मैंने गर्ल्स में किस किस को लिया है, पीआरएस को लिया है, नहीं नहीं नहीं, हाँ पीआरएस को लिया है। तो यार देखो पी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, केवल एस की दुश्मनी है डी से, तो डी तो नहीं आ सकता। अब बचे एबीसी बॉयज में, तो यार एबीसी में या तो मैं एबी को ले लूं तो भी चलेगा, मैं बीसी को ले लूं तो भी चलेगा। सर बीसी को नहीं ले सकते, बीसी नहीं चलेगा ना, आर तो आएगा ही नहीं, बीसी तो ले सकते हैं, एबी नहीं ले सकते। एबी इसलिए नहीं ले सकते, बताता हूँ क्यों, क्योंकि ए बी लोगे ना तो सी को लेना पड़ेगा, इफ बी देन सी, तो ये वाली में सी नहीं आया ये नहीं ले सकते। बी सी क्यों नहीं ले सकते, बी सी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि भैया ए आर आया हुआ है और आर तभी आएगा जब ए आएगा, तो ये दोनों केस इसलिए खत्म हो गए। तो अब क्या केस बचा अपने पास केवल लेने का, इसी को लेता हूं तो कोई कोई कंडीशन नहीं है, आर के साथ ए होना जरूरी था आ चुका है, बी आएगा तो सी आएगा, पर सी आएगा तो क्या बी आना जरूरी था, नहीं था। तो अपने पास कितने ऑप्शन है बच्चों, केवल और केवल एक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, लगा या नहीं लगा अच्छा क्वेश्चन? हाँ सर लगा, शानदार। अच्छा ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म, तो ये केस 18 बच्चों समझ में आ रहा है? रवि, आयुष, प्रीति, मोहित, अंजलि, पीक्यूआर में डी नहीं आ सकता। एक सेकंड दोबारा बोलो क्या डाउट है? पीक्यूआर में बी, पीक्यूआर में बी को क्यों नहीं लिया? यस सर, यार बी को लेता तो सी को लेना पड़ेगा ना मेरे को, तो और क्यू के साथ बी भी तो नहीं आएगा। हाँ क्यू के साथ तो क्यू तो लिया ही नहीं ना, क्यू लिया था कि किस किस को लिया था अपने? नहीं लिया, पीआरएस को लिया था, पीआरएस को लिया था है ना। अब आप बोल रहे भैया बी को लेते हैं, अब देखो बच्चा बी को लेते हैं तो सी को लेना पड़ेगा, पर फिर ये जो कंडीशन है ना कि आर आएगा तो एक आना जरूरी है, ये गलत हो जाएगी। अब है समझ गए क्या भाई, आर ले रखा है ना तो ए को लेना जरूरी है ना, ए और सी, हाँ ए और सी ले लेते हैं, ए और सी में तो यही तो एक केस लिया है अपन ने, पी आर एस के साथ आप बी सी को नहीं ले सकते, आप ए सी को ले सकते हो और आप ए बी को भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इफ बी देन सी, बी आएगा तो सी आएगा ही आएगा, तो यहाँ सी नहीं आया ना। यस सर, अभी क्लियर है एकदम? यस सर, बढ़िया, तो बहुत मजा आया इस क्वेश्चन में है ना। आप एक क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है जो हम मान लिया कि ग्रुप साइज 5 है, तो उसमें से इनमें से कौन सा जना उसका पार्ट नहीं हो सकता। यार आपने एक बात नोट की थी प्रीवियस क्वेश्चन जब अपन कर रहे थे कि जब भी अपन क्यू को ले रहे थे ना, क्यू को ले रहे थे ना तो दिक्कत हो रही थी, क्यू का कोई भी केस नहीं बन पा रहा था। yes, क्यों नहीं बन पा रहा था, एक बार देखते हैं। ग्रुप साइज 5 कर रहा हूं मैं, अब इन्होंने ये तो नहीं बोला ना दो बॉयज हैं या तीन गर्ल्स हैं। Among the following can never be a member of group size 5. अब मैं तो क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ क्यू को लेकर 5 जनों का ग्रुप बनाने की। अब देखो क्यू को ले लिया तो ए बी सी डी में से ए और बी खत्म है ना। अब क्यू के साथ यदि मैं पी लेता हूँ, ढंग से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यू के साथ यदि मैं पी लेता हूँ
बॉयज तो के तो ऑप्शन ही खत्म है, बॉयज में तो केवल सी डी आएंगे यदि क्यू ले लिया तो मैंने, और डी लिया तो मैं एस को नहीं ले सकता, एस को नहीं ले सकता तो मेरे को अब यहाँ पे आर को लेना ही पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब यदि आर को ले लिया तो आर तो ए के बिना आएगा ही नहीं यार, हाँ सर आर तो तभी आता है ना जब ए होता है, चलो ऐसी बात है, तो एक काम करता हूँ मैं क्यू पी आर की जगह क्यू आर एस करके देख लेता हूँ, पर क्यू आया तो ए भी तो आएंगे ही नहीं और एस आया तो डी नहीं आएगा इस कंडीशन की वजह से, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा, ऐसा है तो चलो कोई बात नहीं, क्यू के साथ पी आर ले लिया, आर एस ले लिया, एक बार पी एस लेके देख लेते हैं, पी एस ले लेता हूँ क्यू के साथ तो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, क्यू आ गया तो ए भी नहीं आएंगे, एस आ गया तो डी नहीं आएगा, ये भी चार का ही रह गया ग्रुप, तो ये क्यू को रख के आप कभी भी पांच जनों का ग्रुप तो बना ही नहीं पा रहे यार, बना पा रहे हो क्या? नहीं सर। अच्छा ऐसा कर लूं कि चार लड़कियां ले लूं, PQRS ले लूं और एक बॉयज ले लूं, तो ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी कि एटलीस्ट दो लड़के और दो लड़कियां होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्यू एक ऐसा इंसान है जिसको रख के कभी भी मैं फाइव का ग्रुप नहीं बना पाऊंगा, समझ गए क्या बच्चों? Yes, पर क्या क्यू ही ऐसा है क्या? एस को रख के बना सकता था क्या? एक बार चेक तो करना बनता है ना, एक बार चेक तो करके देखे कि एस से बन पा रहा है क्या, तो एक काम करता हूँ मैं एस को लेके ट्राई करता हूँ, यदि मैंने एस को लिया बच्चों, एस को लिया तो किसको नहीं ले सकता केवल डी को, डी को एस को लिया तो भैया ए बी सी डी में से डी को नहीं ले सकते, तो तीन ये हो गए, और एस और एक किसी ऐसे इंसान को ले लो जिसका किससे दुश्मनी ना है, पी को ले लूं, तो ये तो हो गया पांच का आराम से ग्रुप है कि नहीं, यहाँ लो पी की एस की जगह आर कर दो और यहाँ पर आर ए हो गया, और बस ये पी आर का भी बन सकता है ना, यहाँ सी की जगह डी कर दो लो, क्या दिक्कत है बताओ, ए सी डी कर दो तो डी भी आ सकता है, पी भी एस भी आ सकता है, सब आ सकते हैं, केवल एक क्यू था जो नहीं आ पा रहा था, किसी को डाउट है क्या? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया सेट चल रहा है अभी तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी देखना पड़ेगा किसके सही है, अभी तक कोई सही है तीनों क्वेश्चन के आंसर सही है अभी तक किसी के भी? सीबीए गलत हो सकते हैं क्या सर? अच्छा चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, एस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप साइज फाइव, बच्चों ग्रुप साइज फाइव अपना एक ही केस में बन रहा था, वो क्या केस था? ट्रू वाला आई थिंक, वो केस था पी आर एस ए देखो यही था पी आर एस, ये केस था, तो एस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप साइज फाइव, अरे भाई ये तो सामने सामने दिख रहा है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, बी इज पार्ट ऑफ ओनली ऑफ ग्रुप साइज सिक्स, बी क्या फाइव वाले ग्रुप का साइज का मेंबर नहीं हो सकता क्या? नहीं, हो सकता है। B को मैं सिक्स की जगह फाइव वाले में करके एक कोशिश करता हूँ B। अच्छा B लेंगे तो C को लेना पड़ेगा, राइट? यस। तो मैं A B ले लेता हूँ, कोई दिक्कत? नो। मैं P R ले लेता हूँ, कोई दिक्कत? नो। भाई अब देखो यार, तुम R है तो A आ गया, B है तो C आ गया, कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुई, और पांच का ग्रुप भी बन गया, पर अपन को तो छह का बनाना था, सॉरी, तो यहाँ पर डी को भी ले लो ना, भाई डी की दिक्कत तो एस से थी, एस आता तो डी नहीं आता, एस तो लिया ही नहीं हमने, तो बी हो सकता है, पर ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, बी फाइव का भी हो सकता है, बी सिक्स का भी हो सकता है, तो क्या डेफिनेटली ट्रू कहेंगे इसको? बी तो भाई फाइव का भी हो पा रहा था, बी सिक्स का भी हो पा रहा है, तो ये इसने बोला है कि बी केवल सिक्स का ही मेंबर हो सकता है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, फाइव का भी हो सकता है। Q can be a part of only group size 4. यार एक बात है, हमने Q से अभी cases बना के देखे, 5 वाला कोई भी case नहीं बन रहा, और जब 5 ही नहीं बन रहा तो क्या 6 बनेगा? No, sir. 5 ही नहीं बन रहा तो उसके ऊपर के तो कोई भी बनना पॉसिबल ही नहीं है, और Q को लेकर क्या 4 की ग्रुप साइज बनाई जा सकती है? देखते हैं करके, क्यू लिया तो ए बी को नहीं लेने का, तो सी डी को लेना ही पड़ेगा, बॉयज दो लेने थे, और सी डी को लिया तो यहाँ पर एस नहीं ले सकता मैं, अब आर नहीं ले सकता क्योंकि उसके लिए ए होना जरूरी है, तो पी ले लेते हैं, पी क्यू सी डी लेता हूं तो चार की साइज का ग्रुप बन गया, बोलो हाँ या ना? Yes, तो ये आंसर करेक्ट है, क्यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ओनली ग्रुप साइज 4, ग्रुप साइज 4 का ही पार्ट हो सकता है, 5 का नहीं हो सकता, तो 6 7 8 तो अपने आप ही कैंसिल हो गए थे, तो
तो अपना आंसर चल रहा है सी बी ए सी. लास्ट क्वेश्चन, ओके, इफ क्यू इज सिलेक्टेड देन हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली नॉट सिलेक्टेड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देख के आंसर देना पड़ेगा. क्यू को सेलेक्ट किया है भैया, क्यू सेलेक्ट किया है तो कौन कौन खत्म हो गया? ए बी. ए बी, अब बॉयज दो लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट दो बॉयज को लेना था, इसका मतलब मेरे को सी डी को लेना पड़ेगा, और डी को ले रहा हूं इसका मतलब मैं किसको नहीं ले सकता? एस को, और मैं आर को भी नहीं ले सकता. क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आर तभी आता जब ए आता. यस सर. मैं यही एक कॉम्बिनेशन बन सकता है पी क्यू सी डी का, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी देखा. तो क्यू को सेलेक्ट किया है तो आप सी को सेलेक्ट कर सकते हो, आप डी को कर सकते हो, आप पी को कर सकते हो, आप आर को कभी भी सेलेक्ट नहीं कर सकते. समझ गए बच्चों? हाँ सर. सिट इन टू डिफरेंट रूम्स ए एंड बी. अब देखो कंडीशन ही बहुत छोटी सी दिख रही है अपन को, पांच लोग हैं और दो रूम है ए और बी. टी इज नॉट इन रूम बी, मतलब रूम ए में है. पी एंड क्यू आर इन सेम रूम, पी और क्यू सेम रूम में आएंगे, आर और एस डिफरेंट रूम में आएंगे. इफ देयर इज ओनली वन पर्सन इन अ रूम देन हु दैट पर्सन कुड बी. अब देखो एक रूम में केवल एक ही पर्सन है तो वो कौन हो सकता है? क्या आर हो सकता है एक रूम में अकेला? अब आर को एक रूम में अकेला रखना है, इसका मतलब वो ए रूम में तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए रूम में तो पहले से टी है. तो अपन एक काम करते हैं, आर को यहाँ पर प्लेस करके देख लेते हैं. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. प्लेस करके. अब आर को यहाँ प्लेस किया तो मेरी कंडीशन थी कि आर और एस डिफरेंट रूम में है, तो एस यहाँ पर आ गया. आर और एस डिफरेंट में है ना, ये साथ में नहीं होने चाहिए. yes, और पी और क्यू साथ में होने चाहिए, तो ये लोग पी क्यू भी इधर आ गए. तो भाई आर तो अकेला हो सकता है, हो सकता है ना? yes, sir. Yes, sir. एस के लिए भी चेक करना पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ऐसा दे रखा है, ए और बी का भी एक ऑप्शन दे रखा है. तो अपन एस के लिए चेक करते हैं. तो जब एस के लिए चेक करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एस को इधर रख दो, आर को इधर रख दो, पी क्यू को साथ में रख दो, तो भी हो पा रहा है, एस भी हो पा रहा है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. डाउट है? नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ सीटिंग आर पॉसिबल इफ फाइव पीपल आर सीटेड इन टू रूम. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, कितने तरीके से ये चीज की जा सकती है. अब देखो ढंग से समझना, पी इधर है, मैं पहला केस ले रहा हूं, केस फर्स्ट कि पी क्यू रूम ए में है, और एक बार केस ले लेंगे केस सेकंड कि पी क्यू रूम बी में है. समझ गए बच्चों? तो पहला केस पी क्यू रूम ए में है. अब पी क्यू रूम ए में है तो भैया दो केस बनते हैं, या तो आर इधर आ जाए, एस इधर आ जाए, आर और एस को डिफरेंट रूम में रखना है ना, या फिर आर इधर आ जाए. तो जब मैंने पी क्यू को ए रूम में रखा तो कितने केसेस आए बच्चों? टू. यहां तक कोई डाउट? नो सर. दूसरा केस लेते हैं, जब अपन पी क्यू को रूम बी में रख देते हैं, पी क्यू को रूम बी में रखें तो पी क्यू तो साथ में है, रूम बी में आ गए. अब फिर वही बात है, या तो आर इधर एस इधर, या फिर एस इधर आर इधर, तो फिर कितने केसेस आ गए? टू. तो टोटल कितने केसेस पॉसिबल हो गए? फोर. इसका करेक्ट आंसर था सी बी. यस सर. तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देयर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. बहुत अच्छा सेट है, ढंग से करिएगा. स्टार्ट, वी आर स्टार्टिंग एट 11:22. सो वी हैव ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल. देयर आर 12 पर्संस जिनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, X and Y. The following is also known. D and F are selected in same group. Condition 1. I and C are selected in same group. A and L are in different group. If G is in X, H bhi X mein hi hoga. If G X mein hai, then H bhi X mein hi hoga. Aur if G X mein hai, toh B J Y mein honge. And B और J Y में होंगे. बच्चों क्लियर है ना? yes, J और सेम ग्रुप में है और K Y में नहीं है. K Y में नहीं, इसका मतलब K X में है. बढ़िया है. X और Y
अब देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सबसे पहले मेरे को जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि के ग्रुप एक्स में है वो तो मैं यूज कर ही लू, के को तो एक्स में रख ही देते हैं, के तो यहाँ डेफिनेटली है। अब बात यह है कि डी एंड जी आर सेलेक्टेड इन ग्रुप एक्स, देखो डी को भी ग्रुप एक्स में रखा और जी को भी। अब जैसे मैंने इनको रखा ना तो इनके जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उस पर आ जाया करो। सबसे पहले बच्चों डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, डी और एफ साथ में होंगे, यस और नो? यस सर। इंपॉर्टेंट लाइन थी कि दे आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ग्रुप्स, तो यहाँ पर भी सिक्स मेंबर हो सकते हैं, यहाँ पर भी सिक्स ही होंगे, राइट? अब डी है तो आपको रखना पड़ेगा, कंडीशन है, रख दिया। अब आप देखो डी और एफ से रिलेटेड कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही इसके अलावा मुझे, ठीक है, इसको तो हटाई देता हूँ, इसको तो हम डायरेक्टली यूज कर ही चुके हैं, राइट बच्चों? यस सर। आप बताओ डी के बाद जी की कंडीशन पे आ जाओ, जी की क्या कंडीशन है, यदि जी एक्स में होता है तो एच को भी एक्स में ही रखना पड़ेगा, यस सर, यस सर, और जे को वाई में रखना पड़ेगा, यस सर। अब जे आ गया तो जे के साथ ई को रखना पड़ेगा, ये भी कंडीशन थी, समझ गए बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। एक कंडीशन ये है कि आईसी को साथ रखना है। अब आईसी देखो एक्स में तो आ ही नहीं सकते, वहां तो पांच जने वैसे ही हो चुके हैं, एक ही जने की जगह बची है, तो आईसी को भी यही रखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ए और एल में से एक जना यहाँ पर आएगा, एक जना यहाँ पर आएगा, हो गया सिक्स सिक्स का ग्रुप फॉर्मेशन। यस सर। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following may be selected in group 5? H को group 5 में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। K को group 5 में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। F को group 5 में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। A को रख सकते हैं? Yes, रख सकते हैं। Yes sir। So the answer to first question is option D, A. Clear है बच्चों? किसी को भी doubt? No sir। Yes sir। No sir। अब first question खत्म, तो ये information खत्म। वापस से use करते second question पे आते हैं। Second question. If F is in group X, F group X में है, while C and G are in the same group, C और G को एक ही ग्रुप पे रखना है, तो कौन सा definitely possible? अब क्या करें बच्चों, यार ये F यहाँ है, तो सबसे पहले तो F की कंडीशन पे आ जाओ। F की कंडीशन क्या है? D। D आएगा, है ना? अब और क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं अपन, बताओ? मेरे को ये पता है कि A और L में से एक जना यहाँ पर आएगा और एक जना यहाँ पर आएगा, ये भी एक कंडीशन है कि नहीं? Yes sir। सर। अब C और G को एक ग्रुप में रखना है, तो क्या मैं C और G को ग्रुप X में रख सकता हूँ क्या? एक बार नहीं, रख सर। सर। पर यदि G ग्रुप X में है तो H को भी ग्रुप X में ही रखना पड़ेगा, तो H आ जाएगा क्या फिर? आ पाएगा, सेवन मेंबर्स हो जाएंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब बच्चों क्या समझ में आया हमको कि G और C जो साथ में है वो कौन से ग्रुप में है? Y. Y. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो G और C को मैं Y में रख रहा हूँ। अब C G Y में है तो इन्होंने क्या पूछा है? Which among the following is definitely true? अब ये बोल रहे हैं कि B और J को सेम ग्रुप में रखो, B और J को सेम ग्रुप में रखो। क्यों भाई? अपन अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं। मैं यदि B को यहाँ रख दूं और J को यहाँ रख दूं तो कोई कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है क्या? Yes, sir। J के साथ क्या कंडीशन है? E आएगा, तो ये लो E भी रख दिया मैंने। अब बताओ क्या कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है? C के साथ I आएगा। सर B भी रखना पड़ेगा ना? सब अब DF वाली कंडीशन सही है, IC वाली कंडीशन ये लो आई यहाँ पे रखना ही पड़ेगा क्योंकि सी है यहाँ पर, तो आई भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए, है ना? बचा कौन? एच, तो ये लो एच को यहाँ रख दिया, क्या दिक्कत है? ये तो हो पा रहा है सर। बी जे और ई साथ में रहेंगे ना, और सर जी खाटू श्याम जी है ना, ना बेटर। क्या क्या दोबारा बोलो बेटा, एक बार दोबारा बोलिए। बी जे और ई ये तो साथ में रहेंगे ना। बी जे किसने बोला साथ में आएंगे? वो तभी आते जब आधी घंटा भेट गाल दी मान। अरे भाई ये कौन है? समझ गए क्या बच्चों? वो तो कब साथ में आते? बी और जे जब जी एक्स में होता तो उनका साथ में होना जरूरी था, अब यदि जी एक्स में नहीं था तो जरूरी नहीं है उनका साथ में होना। क्लियर है क्या? यस सर। तो बच्चों यार इन्होंने बोला था कि बी और जे को सेम ग्रुप में रखना जरूरी है, मैंने तो अलग अलग में रख दिया, तो ये तो जरूरी नहीं है।
ये बोल रहे हैं बी और एल को सेम टीम में रखना जरूरी है, क्यों जरूरी है? ये लो भाई, एल को मैं इधर मान लेता हूँ और ए को इधर मान लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ये भी गलत बात है। इन्होंने डेफिनेटली बोला है कि ऐसा तो होना ही होना चाहिए, तो मैं तो उसका उल्टा करके देख रहा हूँ, बी और एच को सेम टीम में रखना जरूरी है। अब एक बार कोशिश करते हैं कि बी और एच को डिफरेंट टीम में रखें, करें कोशिश? यस सर। चलो देखो बच्चों, ये तो अपन ने वैसे बनाया था, ये लो। अब देखो पहले मैं आपको एक बार बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद अपन इस पे आते हैं। K इधर था ही पहले से फिक्स था, F के लिए इन्होंने बोल दिया कि ग्रुप X में है और F आएगा तो D उसके साथ आएगा, इसलिए मैंने D को रख दिया। A और L में से एक जना इधर आएगा, एक जना इधर आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट ग्रुप में है। अब मैं ग्रुप Y की बात कर रहा हूँ, C और मैंने देखा था X ग्रुप में नहीं आ सकते, ठीक है? ये चीज अपन ने देखी थी ना, सी और जी एक्स ग्रुप में नहीं आ पा रहे थे, तो सी और जी यही आएंगे, और सी यहाँ पर आएगा तो आई भी यही आएगा, क्योंकि कंडीशन है आई और सी साथ में आने की। तो ये जो अभी तक का सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये तो फिक्स है। अब अपने पास क्या बचा बच्चों? ऑप्शन बाकियों में ट्राई करने का, तो बाकियों में अपन ट्राई करते हैं। इन्होंने बोला है कि बी और एच को सेम टीम में रखना जरूरी है, मैं क्या करता हूँ बी और एच को डिफरेंट टीम में रख देता हूँ, रख दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब किस किस को प्लेस करना बचा है? जे और ई को। यार ये गड़बड़ हो गई, अब जे और ई को एक साथ रखना है तो कहीं पर भी इधर भी पांच होगा इधर भी पांच होगा, उसको तो एक साथ रख ही नहीं पाएंगे हम। कहने का मतलब क्या है कि चार पोजीशन यहाँ पर भी फिल हो गई है, चार यहाँ पर भी फिल हो गई है, और जे और ई को साथ में रखना है तो या तो जे और ई यहाँ पर आएंगे, जे और ई यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर बी और एच को साथ में रखना ही रखना पड़ेगा, और यदि मैं जे और ई को यहाँ पर ले लेता हूँ तो बी और एच को यहाँ पर साथ रखना पड़ेगा, पर बी और एच को तो हमेशा साथ रखना ही पड़ेगा। द करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आया क्या? यस सर। तो अपने अभी जो आंसर्स आए हैं वो डी और सी आए हैं दो क्वेश्चन के, काफी बच्चे आउट हो चुके हैं आई थिंक। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या है अगला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो पॉसिबल नहीं है? यार ये तो बहुत इजीली हम चेक कर लेंगे, कैसे कर लेंगे अभी बताते हैं। ये बोल रहे हैं सी आई जी एल बी एच, ये छह जने हैं, सी आई जी एल बी एच छह जने हैं, तो ये एक्स में तो हो नहीं सकते क्योंकि एक्स में तो के पहले से ही है, इनको भी ले लूंगा तो सात हो जाएंगे, तो इसका मतलब सी आई जी एल बी एच यहाँ की बात कर रहा है। अब आप तो केवल कंडीशन देख लो, कोई कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। सी आई जी एल बी एच यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन कौन आएगा? डी आएगा, एफ आएगा, ए आएगा, जे आएगा और ई आएगा, बोलो हाँ या ना? यस। चलो कंडीशन चेक करते हैं, डी एफ सेम हो गए, आई सी सेम में हो गए, ए एल डिफरेंट में हो गए, जे ई साथ में हो गए, जी एक्स में नहीं है तो ये कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सब कुछ हो रहा है, तो ये ग्रुप तो पॉसिबल है, हाँ या ना? Yes, sir. इन्होंने पूछा था कौन सा ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला तो पॉसिबल है बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, बीजेई एआईसी, ये वाला करके देखते हैं, बीजेई, और आपको समझ में आ रहा है ना मैं वाई में क्यों रख रहा हूँ? यस सर। ए में तो भैया एक्स में तो रख ही नहीं सकते ना, के पहले से ये सात जने हो जाएंगे। चलो अब कंडीशन देखते हैं बच्चों, बीजेई एआईसी हो गए तो यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर और कौन बचा? एल आएगा। करके देखते हैं कोई कंडीशन, डी एफ साथ में है कि नहीं? आई सी साथ में है, ए एल डिफरेंट में है, जी एक्स में है क्या? बिल्कुल है, जी एक्स में है तो एच एक्स में आना चाहिए, तो एच भी एक्स में ही आ रहा है, और बीजे वाई में आने चाहिए तो बीजे वाई में ही आ रहे हैं, और जे ई साथ में आने चाहिए तो जे और ई साथ में भी आ रहे हैं, सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बच्चों, हाँ या ना? ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बढ़िया है। नेक्स्ट पे आते हैं, आप समझ रहे हो ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, आपको चेक करना पड़ रहा है हर एक को। डी आई एफ सी जे ई, डी आई एफ सी जे ई, तो यहाँ पर बच्चों ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ए और एल फिर दोनों यहाँ पर आ गए, हाँ या ना? यस सर। ये पॉसिबल ना है भाई, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। डी आई एफ सी जे ई इज द आंसर, समझ गए? मैं आगे वाला चेक ही नहीं कर रहा, क्लियर है बच्चों? यस सर। आप कितने बच्चे हैं अभी तक कॉम्पिटिशन में? डी सी और सी, कितने बच्चे हैं कॉम्पिटिशन में बताओ?
पहले बाहर हो गए थे सर लेकिन अब वापस आ गए। चल देखते हैं which of the following is definitely false बोल रहा है तो अपन उल्टा करके देखेंगे। जब भी definitely बोलते हैं ना बच्चों उल्टा करके देख लिया करो। If C and J are in group Y, C और J group Y में है, C और J group Y में है। एक बार सबसे पहले करने की कोशिश करो कि अपन इससे क्या क्या वो कर सकते हैं। C और J group Y में है तो C पे कोई कंडीशन है क्या? I है ना? I आई की। और जे पे कोई कंडीशन है क्या? E. 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 और एक कंडीशन अपन को पता है AL और वो वाली है, एक जरा इधर आएगा एक जरा इधर आएगा, ये तो अपन को पता ही है। हाँ yes, yes, sir. चलो अब कौन सा पेयर बच गया? DF। तो क्या मैं DF को Y में रख सकता हूँ? Y में वैसे ही पांच हो चुके हैं। नहीं सर नहीं, तो DF तो इधर ही आएंगे पक्की बात है। अब JE का पेयर हो गया, IC का पेयर हो गया, अब G को कहाँ रखे? देखो यदि मैं जी को यहां रखता हूं ना, दो केस हो रहे हैं, या तो मैं जी को यहां रखूं तो एच को मेरे को यही रखना पड़ेगा और बी को यहां रखना पड़ेगा। पहला केस है या ना? यस सर। डेफिनेटली फॉल्स बोल रहे थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जी एंड बी कैन नेवर बी टुगेदर। एक केस में हमने करके देखा कि यदि मैंने जी को एक्स में रखा ना तो वो डेफिनेटली अलग हो रहे हैं, पर यदि जी एक्स की जगह वाई में हो तो, जी एक्स की जगह वाई में हो तो बच्चों तो भी बी को मैं इसके साथ नहीं रख सकता क्योंकि जगह ही नहीं बची। फिर वाई में छह लोग पहले ही हो गए। तो आप कुछ भी करके देख लो, आप जी और बी को साथ नहीं रख पा रहे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जी एंड बी कैन नेवर बी टुगेदर। मैं फिर भी आपको दूसरे ऑप्शन चेक करवाता हूँ, है ना? फिर भी अपन दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा डेफिनेटली फॉल्स बोला है, ये तो ट्रू आ रहा है। yes, ये तो ट्रू आ रहा है। इसने बोला है एच कैन नेवर बी इन ग्रुप वाई, ये भी सही बात है। आपने देखा कि मैंने बी को यहाँ रखा तो भी एच यही आ रहा है, और मैं जी को यहाँ रखता तो कंडीशन ही थी कि यदि जी एक्स में होगा तो एच भी एक्स में ही होगा। यस सर। तो H हमेशा X में ही आ रहा है, तो ये भी सही बात है कि H can never be in group Y. H and B can be together. Yes, sir. ये तो हो ही रहा है। Yes, sir. H और B together तो आ ही रहा है ना? हाँ सर। और इसने ऐसा नहीं बोला कि हमेशा साथ में आ रहे हो, H और B अलग भी आ सकता है। यदि मैं G को यहाँ लू H को यहाँ लू तो B यहाँ पर आ जाएगा, तो H और B साथ में भी आ सकते हैं अलग भी आ सकते हैं, तो H and B can be together, ये तो सही है। करेक्ट आंसर इज none of these. ये तो बताना था कि डेफिनेटली रॉन्ग कौन सा है, तो डेफिनेटली रॉन्ग तो कोई सा भी नहीं आया अभी तक, तो आंसर आ गया नन ऑफ दीज। डी सी डी डी लास्ट सेट, लास्ट क्वेश्चन इन फैक्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन द ग्रुप बी फॉर्म इफ डी एंड जे आर इन ग्रुप वाई। चलो ढंग से समझना, ये जो पॉसिबल केसेस पूछते हैं ना इनको अच्छे से करना होता है अपन को, इसमें मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा रहती है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि डी और जे ग्रुप वाई में है, डी और जे ग्रुप वाई में है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, डी और जे की कंडीशन पे आ जाओ। डी के साथ एफ होगा, जे के साथ ई होगा, ए और एल में से एक जना तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। आया ना? यस सर। फिर भैया जो एक पेयर बचा है आईसी का, वो कहाँ जाएगा? एक्स में। एक्स में। वाई में तो जगह ही नहीं है, पांच हो चुके हैं, तो आईसी का पेयर तो यहाँ डेफिनेटली आएगा ही आएगा। समझ गए बच्चों? Yes, अब आप देखो किस किस को प्लेस करना बचा है, जी को एच को बी को, यही बचे तीन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो ये तीन प्लेस करने बचे, हाँ या ना? Yes, अब भैया जी के साथ दो केस हैं, या तो जी एक्स में होगा या जी वाई में होगा। मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं व्हेन जी इज इन एक्स। अब देखो जी एक्स में है तो अपन करके देखते हैं, दूसरे कलर की इंक यूज कर लेता हूँ कंफ्यूजन ना हो। जी एक्स में है बच्चों, तो एच कहां पर आएगा? एक्स में। तो फिर बी कहां पर आएगा? वाई में। कितने केसेस बन रहे हैं? चार कैसे बन गए? एक दो दो कैसे? एल इधर या एल इधर? एल इधर इंटरचेंज कर सकते हैं ना पोजीशन, तो दो केसेस बन रहे हैं जब मैंने जी को एक्स में लिया। अब मैं सेकंड क्या लूंगा, जी को वाई, जी को वाई में ले लेते हैं। yes, अब यदि मैंने जी को वाई में ले लिया तो बी और एच के पास यही ऑप्शन बचा आने का, तो भी कितने केसेस बन रहे हैं? दो
दो क्यों? क्योंकि ए और एल तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना वापस से. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आएगा ना. क्या क्या बेटा? तो जी और एच तो साथ में आएंगे ना. क्यों बेटा क्यों? ये कहाँ पे दिख गया आपको? वो तब है जब जी एच में होगा ना, तो एच एक्स में होगा. जब यदि जी नहीं है ना एक्स में, तो कोई कंडीशन नहीं. क्लियर है बच्चों? यस सर. डी सी सी डी ए